क्या आपको सीवियर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है? एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो गर्दन से होते हुए सिर में दर्द कराने का काम करने लगती है, सिर एकदम बहुत भारी होना चालू हो जाता है और दर्द जो है वो सिर में भी दर्द आगे की तरफ आकर के आंखों में भारीपन और दर्द कराने का काम करता है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप ये नोट करें कि ये एसिडिटी आपकी कब बढ़ रही है। एसिडिटी बढ़ती कब है? दो मूल कारण होते हैं ऐसी एसिडिटी के बढ़ने के, एक तो पेट का खाली रह जाना और दूसरा पेट में कुछ ऐसा पहुंच जाना जो बहुत देर में पचेगा या फिर तुरंत पेट में गर्मी कर दे। जो वो दोनों ही कंडीशंस, या तो पेट खाली रह जाए या फिर पेट में कुछ ऐसा पहुंच जाए जो पचने में बहुत भारी है। अगर पेट खाली रह गया तो तुरंत ही दर्द जो है वो गर्दन से होते हुए सिर में आ जाएगा, और अगर आपने भारी खाना खा लिया है तो खाना खाने के तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद वो जो खाना खाया है वो आमाशय में ही भरा रहेगा, आमाशय को फुलाएगा और आमाशय में एबनॉर्मल गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होना चालू होगा, जिसकी वजह से आमाशय की अंदर की जो म्यूकोसल लेयर है वो फैलेगी, उसमें जो भी कट लगे हुए हैं, उसमें जो भी इरोजन्स हैं, उसमें जो भी खाने को पचाने के लिए जो एसिड आ रहा है वो पूरा एसिड उनमें लगेगा इरोजन्स में, और पेट एकदम से भारी हो जाएगा, पेट एकदम से गर्म होगा और वो पूरा का पूरा गर्म होकर के पेट गर्दन से सिर में दर्द लाना चालू कर देगा। अब ये तो हो गया कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये समस्या हो रही है तो दो तरीके के इलाज हैं। एक तो ये कि जब समस्या हो गई है तब तुरंत उस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करें, और दूसरा भविष्य में ये समस्या आपके साथ ना आए, आपको परेशान ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है। पहले नंबर पर अगर समस्या हो गई है, तुरंत समस्या हो गई, पेट फूल गया है, पेट के फूलने की वजह से सीने में भारीपन आया, और कभी कभी लोगों को ये फील नहीं हो पाता कि पेट भारी है कि सीना भारी है, लेकिन दर्द गर्दन और सिर में महसूस होता है और ऐसा लगेगा जैसे गला चौक सा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ, आंखों में भारीपन एकदम से हो जाएगा, मैंने पित्त वृद्धि के लक्षण का एक वीडियो बनाया हुआ है। जब भी पित्त बढ़ता है, एसिडिटी जब बढ़ती है तो क्या करवाती है, एक काम करवाती है, वो पित्त वृद्धो मूर्छा। जब जब पित्त बढ़ेगा ऐसा लगेगा जैसे बेहोशी जैसी हो रही है, आपको बहुत तेज दर्द आएगा, आंखें भारी हो जाएंगी, एकदम आंखें ऐसी लगेंगी कि आंखें भारी हो रही हैं, पलकों को ऊपर करने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका एक कारण तो है कि पेट आपका लंबे समय तक खाली रह गया, आपको जिस समय जो आपकी आदत बन गई है वो समय आपका निकल गया और आपने कुछ खाया नहीं। अगर नाश्ते का समय है, नाश्ते का समय निकल गया और आपने नाश्ता ही नहीं किया, जिसको अल्पाहार बोला जाता है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, अगर वो नहीं किया जाएगा तो भी दोपहर तक दर्द आ जाएगा। और अगर आप दोपहर तक निकाल गए, आपने खाना नहीं खाया, तो थोड़ा बहुत समय तो जब तक आप बैठे हैं, जैसे 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक मैक्सिमम आपका खाने का टाइम है, और आपने 3 बजे खाना खाया, तो 3 बजे जब तक खाना नहीं खाया तब तक आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने लगेंगे फिर वो खाना आपके पेट को फुलाना चालू कर देगा, और विद इन हाफ और विद इन एन आवर आपके गर्दन से होते हुए दर्द सिर में आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मैनेजमेंट कैसे करना है इस समस्या का, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप समझ गए कि आज हम लेट तो हो गए खाने में, तो फिर क्या करना पड़ेगा। आप लेट हो गए खाने में तो दो तरीके के मैनेजमेंट है। एक तो मैनेजमेंट है कि आप कुछ ऐसा ओरल ड्रग ले लिया जाए जिसको पीपीआई बोला जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोला जाता है, वो ले लिया जाए, उसके बाद आप खाना खाओ, या फिर आप कुछ ऐसा जो एंटासिड बोला जाता है, लिक्विड एंटासिड्स जो आते हैं, जैसे जेलोसिल आती है या फिर डाइजीन आती है, ये तो हो गए जो मॉडर्न साइंस में मेडिकल स्टोर्स पे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप
सौंफ और मिश्री ले लीजिए, कुछ ठीक रहेगा, डेफिनेटली फायदा रहेगा उससे। तो सौंफ और मिश्री भी आपके लिए काम की चीज रहेगी। उसके 10-15 मिनट के बाद आप भोजन कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। दूसरा, अपन कहें कि नहीं हमको सौंफ मिश्री भी नहीं लेना है दवाइयां, तो हम लेना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर आप भोजन करने के पहले जो एसिड रिलीज हो रहा है, क्योंकि खाना खाने का टाइम तो हमने डिसाइड कर रखा था, ब्रेन को पता था जब ये खाएंगे, तो फिर ब्रेन ने पहले से वो व्यवस्था कर दी, और वो व्यवस्था उसके अंतर्गत ही थी कि भाई 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे खाना खाया जाएगा, तो एसिड रिलीज उसके हिसाब से चालू हो गया। लेकिन खाना नहीं आया तो वो एसिड जो है, वो जो माइल्ड गैस्ट्रिक इरोजन्स रहते हैं आमाशय में, उन इरोजन्स पे वो एसिड लगेगा और पेट खाली है, इरोजन मिल गया एसिड को, तो एसिड उस इरोजन को कहते हैं ना घाव पर नमक छिड़कना। अब नमक की जगह आप घाव पर सीधा एसिड छिड़क रहे हो तो निश्चित ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसका सिर्फ एक ही निदान है कि आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आप खाना खाने के पूर्व 10-15 मिनट के लिए पेट को ठंडा कर दीजिए। पेट को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेट पर या तो ठंडे पानी का गीला कपड़ा लगा लीजिए, मिट्टी की पट्टी हर जगह वैसे अवेलेबल हो नहीं पाती। अगर आप समझ गए हैं कि आज हम लेट हो गए और डेफिनेटली पेट में ये तैयारी हो गई कि अब हम खाना खाएंगे तो दर्द आ जाएगा, ऐसे कंडीशन में आप पेट को ठंडा करने के लिए या तो गीला कपड़ा या मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। पेट पर गीला कपड़ा लगा रहे हैं तो 15-20 मिनट के लिए, और मिट्टी की पट्टी भी अगर आप जैसे रख रहे हैं, पेट खाली है और उसके तुरंत बाद आपको, चूंकि खाना खाने का टाइम है, अब आपको खाना खाने के लिए समय भी मिल गया, खाना खाएंगे, तो 15-20 मिनट के लिए मिट्टी की पट्टी का उपयोग भी किया जा सकता है। ये क्यों करेंगे, क्योंकि पेट को ठंडा कर दिया जाएगा, इसके माध्यम से पेट ठंडा होगा, जो एसिड रिलीज था पेट को गर्म जिसने कर दिया था, अब जैसे होता ना तवा तेज गर्म हो गया है, अब आप उस पर रोटी डालोगे तो रोटी सिकेगी नहीं जलेगी, तो अगर तेज गर्म में आपने खाना खाया तो वो खाना आपका पोषण नहीं करेगा, वो आपके सिर को भारी करवाएगा, आपकी आंखों में दर्द करवाएगा। उसके पहले आपको क्या करना है, वो जो तेज गर्म हो गया है तवा, उस तवे को पहले थोड़ा ठंडा कर लिया जाए, उसके बाद उस पर रोटी डाली जाए। तो उसके लिए क्या करते हो, वहां पर आप गैस बंद कर देते हो, यहां भी लगभग ये पेट में, पेट पर ठंडा कपड़ा रखने से आप पेट की गर्मी जो बढ़ रही है लगातार, उसको कम करने का काम करेंगे, पहला। दूसरा, अब आती है बारी कि अब ये दर्द आपके हो गया तब क्या करोगे आप। आज आपने ऐसा कर लिया कि आपने खाना नहीं खाया था और आपने खाना बाद में लेट खा भी लिया और दर्द हो भी गया, अब आप क्या करोगे। ऐसे केस में दो उपाय हो सकते हैं, या तो जो आपने खाना खा लिया है और वो पेट में जाकर के एसिड के साथ मिल करके कुछ एसिड को न्यूट्रलाइज करने की उसने कोशिश तो करी, लेकिन अब गैस्ट्रिक डिस्टेंशन की वजह से पेट भारी हो रहा है, फील नहीं हो पा रहा, लेकिन दर्द यहां और यहां फील हो रहा है, तो आप 1-1.5 ग्लास पानी पी करके उस खाना खाए गए खाने को या तो बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल देंगे तो पेट फिर से पूरा खाली होगा। इसलिए वॉमिटिंग करने के तुरंत बाद आपको रुकना नहीं है, वॉमिटिंग करने के बाद अगर आपने पेट को फिर से खाली छोड़ दिया फिर एसिड निकलेगा, फिर दर्द आएगा जब भी खाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। खाना आपने निकाल दिया पूरा खाना निकालने के बाद आप पेट पर ठंडे पानी का गीला कपड़ा रख लीजिए। जिन लोगों के साथ ये समस्या हो रही है, अगर वो ये तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि 2-3 बार में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी हम खाली पेट रहते हैं दर्द आता है, खाना खाते हैं दर्द बढ़ जाता है, पानी पी करके वॉमिटिंग करने के बाद पेट पर गीला कपड़ा रखते हैं, जैसे ही गीला कपड़ा रखा विदिन 5-10 मिनट्स आपका सिर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आंखें बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे भारी आंखों से किसी ने वजन हटा दिया, तुरंत आपको यह फील हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि ये समस्या आपके साथ दोबारा कभी हो ही ना, इसके लिए आप क्या करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि अपन हमेशा कारण की बात करते हैं। करना क्या है, टाइम को चूकने नहीं देना है, टाइम निकलना नहीं चाहिए, इसका एक तो ध्यान रखा जाए। समय के अनुसार आप भोजन कर लीजिए, समय के अनुसार आप अल्पाहार कर लीजिए। दूसरा, आप समय के अनुसार कर रहे हैं, दूसरा कारण था कि भारी खाना खाने से भी होती है ये प्रॉब्लम, खाने के 2-2.5 घंटे बाद भारी खाने का जब भी आपका मन करे तब आप ये मन को समझाइए कि भारी खाना आपके लिए कितना नुकसानदायक होता है। स्वाद स्वाद में खा तो लिया जाता है लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद फिर जो स्थिति होती है बहुत असहनीय दर्द हो जाता है, तो थोड़ा कोशिश करिए
कि आप मन को पहले समझा लें कि भारी खाना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने भारी खाना खा भी लिया तो फिर उस खाने को खाने के तुरंत बाद आप वो खाना आमाशय में ज्यादा देर के लिए रुके नहीं, वो खाना जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ पहुंचे। इसके लिए जब भी भारी खाना खाया है आप थोड़ा सा, वैसे तो भोजन करने के बाद व्यायाम के लिए मना किया जाता है, केवल शाम के भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए आप चल सकते हैं, कहा जाता है ना आफ्टर लंच रेस्ट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल। तो डिनर के बाद में आप थोड़ी देर चलते हो, क्यों? क्योंकि डिनर के बाद में अगर आप तुरंत सो जाओगे तो निश्चित ही वो चीज प्रॉब्लम करेगी। तो जैसे डिनर के बाद आप चलते हो, भारी खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा चल के आ जाइए धीरे धीरे करके, ताकि वो आपके आंतों की चाल बढ़ाएगा, आंतों की चाल बढ़ेगी तो खाना आमाशय से नीचे उतरने में जल्दी जल्दी थोड़ा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो बोला जाता है वो थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाएगा, ताकि खाना जल्दी जल्दी नीचे की तरफ उतरे। लेकिन जल्दी जल्दी उतरे कब? जब शरीर में आवश्यकता है तब, ऐसे ही नहीं उतार दिया। शरीर में आवश्यकता बनाई आपने ताकि खाना जल्दी आंत की तरफ जाए, आंत से अब्सॉर्ब हो, ताकि खून को मिले पोषक तत्व, ताकि पोषक तत्व खून के साथ पूरे शरीर में घूम करके जो आपने एनर्जी की डिमांड क्रिएट करी है वो पूरी हो पाए। उस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत कभी कभार भारी खाना खाने के बाद भी इस समस्या से बच जाएंगे। अब ये समस्या हो क्यों जाती है? क्योंकि गैस्ट्रिक इरोजन है। पहले लोग खूब खाली पेट रह जाते थे, लोग बिल्कुल निर्जला उपवास भी करते हैं, आज भी करते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे लोग जो लंबे समय तक खाली पेट रह जाते थे या आज भी रह जाते हैं, उन लोगों में और उन लोगों में क्या अंतर है जिनको थोड़ा सा भी खाली पेट रहे उससे दर्द चालू हो जाता है? अंतर है गैस्ट्राइटिस का, और वो जो गैस्ट्राइटिस है वो गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है स्टमक की इनर मोस्ट लेयर, जिसको म्यूकोसल लेयर कहा जाता है, उसके म्यूकोसल लेयर पर कुछ इरोजन आ गए, कुछ खरोंचे आ गए हैं, ऐसे करके जैसे खर्च गया हो किसी भी चीज से, जैसे चाबी से ऐसे करके हाथ को ऐसे करके जोर से खरोंच दो तो एक लाल लाल लाइन बन जाती है ना, इस तरीके से ऐसे करके, तो वैसे ही आमाशय में कुछ खरोंचन आ गई है, खरोंचे आ गए हैं, और उन खरोंचों पर जब भी एसिड टकराता है उन खरोंचों को और गहरा करने का काम करता है, उन खरोंचों को बोला जाता है स्टमक पर इंफ्लेमेशन। स्टमक को लैटिन में गैस्टर बोला जाता है और इंफ्लेमेशन को आइटिस से डिनोट करते हैं, इसलिए गैस्टर आइटिस मिलाकर के गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। और ये गैस्ट्राइटिस की ट्रबल क्या है इसके लिए पूरा एक वीडियो प्लानिंग में है, बना हुआ है, वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, कि गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, फंडल गैस्ट्राइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस, डिफ्यूज एरोसिव गैस्ट्राइटिस, ये बहुत सारे नाम हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, कौन से पार्ट की गैस्ट्राइटिस को क्या बोला जाता है, ये पूरा है उस वीडियो में। तो अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है उस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो निश्चित ही आपको ये समझ में आएगा कि गैस्ट्राइटिस का क्या रीजन रहा है, गैस्ट्राइटिस होने के क्या क्या कारण रहते हैं, अगर गैस्ट्राइटिस हो गई है तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना होगा, और इलाज अगर पूरा करना है तो घर पर रहते ही आप क्या क्या ऐसा कर सकते हो जिससे ये गैस्ट्राइटिस पूरे तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कहीं घाव होता है तो घाव को सूखा रखने से घाव जल्दी भरता है, सबने हमने देखा है ना कि कहीं घाव हुआ, घाव को ड्राई और क्लीन दोनों चीजें हैं। अब स्टमक में घाव हो गया, इरोजन हो गया, स्टमक को ड्राई कैसे रखोगे आप, हमेशा तो उसमें खाना भरा रहता है, या फिर क्लीन भी अगर आप रख रहे हो तो क्लीन कैसे रख सकते हो, केवल पानी पियो तो पानी आपकी धुलाई करवाएगा। जैसे घाव हो गया उसको कढ़ी से धो दो आप, उसको दही से धो दो आप, उसको आलू टमाटर की सब्जी से धो दो आप, तो वो धुलेगा क्या, उसको तो पानी से डेटॉल मिला के ही तो धोना पड़ेगा। तो आप अपने आमाशय में केवल पानी अगर भेजो तो वो घाव धीरे धीरे करके ठीक होने की कगार पे आ सकता है। साथ में आप कुछ ऐसा खाना जो बिल्कुल अल्कलाइन है नेचर में, जिसमें मसाले मसाले का उपयोग बिल्कुल भी नहीं है, उसका उपयोग करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो सकती है प्रॉब्लम। इंस्टेंट खत्म करने के लिए तो आपको बताया, आप पेट में गीला कपड़ा रख दो, मिट्टी की पट्टी रख दो, बहुत अच्छा इलाज है। आप कोई जो लिक्विड एंटासिड होती है वो ले लो, या फिर पीपीआई ले लो खाने के पहले, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। जनरली लोग ये समस्या लेकर के जब भी फिजिशियंस के पास जाते हैं
तो वो इस तरीके से ही मैनेजमेंट करते हैं, आपको बीपीआई दे देते हैं एक सवेरे सवेरे खाली पेट, डोमपेराडोन के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर पेट भारी होता है तो, साथ में फिर वो एक प्री प्रोबायोटिक भी दे देते हैं कि नाश्ते के साथ में ये ले लो ताकि भाई गट माइक्रोबायोम जो बिगड़ रहा है, क्योंकि अगर पेट खराब हुआ तो आते खराब होंगी तो खराब बैक्टीरिया निकलते हैं, अच्छे भी निकल के बाहर हो जाते हैं, गट माइक्रोबायोम प्रॉपर हो जाए उसके लिए प्री प्रोबायोटिक, बड़ी इफेक्टिव चीजें हैं ये, इनका उपयोग सामान्य तौर पर जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं वो करवाते हैं। फिर खाने के पहले आपको लिक्विड एंटासिड दिया जाए, अगर जरूरत पड़े तो खाने के पहले तीनों टाइम ले लो, नाश्ते के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, अगर एकदम से एग्रेवेटेड कंडीशन है 7 दिन आप इसको करके देखो बिल्कुल आराम हो जाता है। और जो पीपीआई है उसको कभी कभी 2 टाइम्स ना दे देना पड़ता है, जैसे कभी होता है ना कि अपना रूट पॉजिटिव आता है जिसमें एच पायलोरी पॉजिटिव आता है, उस केस में एंटासिड 2 टाइम चलती है, जो एच पायलोरी किट आती है उसमें एंटासिड दोनों टाइम चलती है, सवेरे भी और शाम को भी। तो अगर आपको बहुत एसिडिटी हो रही है तो आप दोनों टाइम एंटासिड पीपीआई का यूज कर सकते हैं। अगर आप नेचुरली ठीक होना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये तो क्या है, ये मैनेजमेंट है, आप इसको मैनेज करते रहो, मैनेज बीमारी को मैनेज करते रहो, जैसे ही आप इनको छोड़ोगे और फिर से आप वही लाइफस्टाइल जियोगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, ये प्रॉब्लम दोबारा होगी, डेफिनेटली होगी, तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो इसके लिए आपको इनके साथ में अगर नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचुरल अल्कलाइन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस और जो आपके उठने बैठने जागने सोने का नियम है वो कैसा रखना चाहिए, वो पूरा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक सिंपल सी चीज, क्योंकि आजकल दौर नुस्खों का है और मैं जनरली नुस्खों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, लेकिन अगर जैसे हो कि भाई नहीं नुस्खा भी कुछ तो बता ही दिया जाए, तो एक बेहतरीन चीज जो इसमें नुस्खे के रूप में आप उपयोग में ले सकते हैं, वो नुस्खा जरूर है लेकिन लंबे समय तक अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो वो नुस्खा आपकी इस एसिडिटी को इस तरीके से खत्म कर देगा कि कभी ये प्रॉब्लम आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और ये जो प्रॉब्लम है इसके मैंने वीडियो बनाया है, आप पित्त वृद्धि के लक्षण पूरा देखना, पित्त वृद्धो पीताव भासता, स्किन पीली हो जाती है, संताप हमेशा गर्म रहेगा, ऐसे लगाओ माथा गर्म, ऐसे लगाओ तो आपको लगेगा कि आंख पर आपकी उंगली गर्म लग रही है, ऐसे लगाओ तो आपको लगेगा कि आपकी गर्दन पर आपकी हथेली का ये वाला पार्ट गर्म है, पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ेगी, नींद कम हो जाएगी, अल्पनिद्रता, इंद्रिय दौर्बल्यम, इंद्रियां कमजोर होना चालू हो जाएंगी, चाहे वो हाथ पैर नाक एनस मुंह जेनिटल ऑर्गन्स हो, चाहे वो आपकी आंख नाक कान जीभ त्वचा हो, सब गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। और ये पूरा वीडियो आप इसको पूरा देख सकते हो कि पित्त वृद्धि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रही है, क्या क्या लक्षण पैदा कर रही है, और लक्षण आ रहे हैं पित्त वृद्धि के, इलाज हम कान का कराए जा रहे हैं, जब तक पित्त ठीक नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सही नहीं होगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो यहां इस टॉपिक को तो मैं विराम देता हूं, अगर कहीं कोई चीज और आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आपके जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनको ये लक्षण जो भी पित्त वृद्धि के हैं वो महसूस हो रहे हैं। ठीक है, उनको ये लक्षण महसूस जिनको हो रहे हैं वो अगर लाइफस्टाइल थोड़ी सी करेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।